कैसे हो फ्रेंड्स? मज़े में हो? मज़े में ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बिजनेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है नयन, आप देख रहे हैं हमारी टेक्निकल चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरी चैनल नयन पांडव को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे जाके कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 बिजनेस आइडिया के बारे में। तो इससे पहले हमने वीडियो पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, तो वो था कि हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ नो मनी। तो वो वीडियो तो आप सब ने देख ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे टॉप 10 बिजनेस, ऐसे स्मॉल टॉप 10 बिजनेस आइडिया कौन से है जिससे हम हमारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आए हम बात करेंगे टॉप टेन बिजनेस आइडिया में। तो फर्स्ट आता है ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स बिजनेस दोस्तों ऐसा बिजनेस है जो डेली चलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो जाए, मंदी आ जाए तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ेरॉक्स बिजनेस ऐसा है कि उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ही 50-60 हज़ार का इन्वेस्टमेंट है, और आपको एक शॉप ले लेना है, उसमें से आप आराम से 20-30 हज़ार रुपये आराम से महीने में कमा सकते हो। वो हो गया ज़ेरॉक्स बिजनेस। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे दूसरा बिजनेस की, तो वो है डेयरी बिजनेस। तो डेयरी बिजनेस में क्या होता है कि वो चीज़ डेली चलने वाली है, जैसे कि मान लो कि आप दूध है, जो भी साबुन है, वो सब चीज़ें मिलेगी डेयरी पे। तो वो बिजनेस पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। वही बिजनेस ऐसा है कि डेली चलेगा, कुछ भी हो जाए, पानी भी आ जाए तो भी चलने वाला बिजनेस है दोस्तों ये बिजनेस, डेयरी बिजनेस। तो एक ये भी अच्छा बिजनेस है। तो तीसरे बिजनेस की बात करेंगे तो किराना बिजनेस। तो किराना बिजनेस भी एक बढ़िया बिजनेस है, तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बात हम करेंगे तीसरे और चौथे बिजनेस के बारे में, वो है ऑटो गैरेज। यदि आपको कुछ इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत बाइक का नॉलेज है तो आप ऑटो गैरेज बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि ऑटो गैरेज में फर्स्ट कस्टमर एक बार आपके पास आ जाएगा, उसके बाद तो आपको जो उसको सर्विस देना है वो आप दे सकते हो और वापस भी बुला सकते हो आराम से। उसमें भी आप आराम से महीने में 20-30 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ऑटो गैरेज बिजनेस। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक स्वीट का भी बिजनेस अच्छा है, स्वीट फरसान का, कि उसमें भी क्या है कि सब आप नमकीन्स वगैरह रख सकते हो। उसमें हम और चीज़ ऐड करें तो बेकरी हो गया, उसमें सब पाव रख सकते हो आप, सभी चटनी है, वो सब पूरा जो भी कुछ भी बेकरी बिजनेस हो गया। उसमें क्या हो सकता है कि जो भी कुछ भी वार त्यौहार आएंगे तो आप उसमें से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। वैसे तो खास करके संडे के दिन भी आप अच्छा मुनाफा कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा बिजनेस हो गया, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आएगा, बात करेंगे हम स्टेशनरी बिजनेस। एक स्टेशनरी बिजनेस भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी आराम से आप महीने के 20-30 तो आराम से कमा ही लेंगे। तो स्टेशनरी बिजनेस में क्या है कि दोस्तों, आपको वो जो बिजनेस है वो स्कूल के आसपास शुरू करना है, जो भी स्कूल का एरिया है उसके आसपास ही शुरू करना है। उसमें क्या है कि डेली कोई ना कोई जो बच्चे स्कूल से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ परचेस करेगा, तो आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे आप काम करते जाइए, ठीक है। तो वो हो गया आपका स्टेशनरी बिजनेस। उसके बाद आता है दोस्तों एसेसरीज बिजनेस, क्योंकि आजकल यंगस्टर में काफ़ी क्रेज़ है एसेसरीज को लेके। तो एसेसरीज में आप वो क्या बेचेंगे, उसमें आप बेच सकते हो बेल्ट, बेच सकते हो अत्तर है, परफ्यूम से, वो सारी चीज़ें आजकल यंगस्टर में खूब क्रेज़ है, स्प्रे वगैरह है, तो वो भी काफ़ी अच्छा चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। तो उसके बाद बात हम करेंगे, एसेसरीज का बिजनेस हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम शूज़ का बिजनेस अच्छा है, शूज़ और चप्पल का बिजनेस अच्छा है वो चीज़, क्योंकि डेली चलने वाली चीज़ है, कभी कस्टमर आएगा तो टूट जाएगा तो वो परचेस करने वाला ही है। तो एक शूज़ और चप्पल का बिजनेस अच्छा है, वो भी आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो तो अब कभी छुट्टी है तो छुट्टी के दिन ज़्यादा भीड़ रहेगी आपकी शॉप पे, ठीक है। तो उस दिन आपको थोड़ा टाइट रहना है, क्योंकि ये अच्छा खासा चलने वाला बिजनेस है, ठीक है। तो और आगे बढ़ेगी, आगे का बिजनेस की बात करेंगे तो आप कपड़े का बिजनेस खोल सकते हो। कपड़े लेडीज़ वियर है, जेंट्स वियर है, तो वो सब आप चीज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या, कपड़े का बिजनेस कब भी बंद नहीं होना, कुछ भी शादी फंक्शन होगा, कुछ भी बर्थडे पार्टी होगी, कुछ ना कुछ होगा, तो वो तो
कोई ना कोई चीज़ तो आपके शॉप पे लेने आएगा, तो आपका बिज़नेस वैसे ही बढ़ने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे टी शॉप और नाश्ता सेंटर की बात करेंगे। तो नाश्ता सेंटर ऐसी चीज़ है वो कभी बंद नहीं होने वाली, डेली चलेगी। नाश्ता सेंटर तो डेली चलने वाला बिज़नेस है। तो उसमें कोई भी नाश्ता पकड़ लीजिए आप, तो वो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। और टी शॉप भी अच्छी है, वो भी मॉर्निंग में आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, बट वो भी अच्छा है, वो भी डेली चलेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। कोई भी आदमी आएगा टी शॉप पे, सबसे पहले कुछ भी टेंशन होगा टी शॉप पे आने वाला है, तो वो भी एक अच्छा सा बिजनेस है, ठीक है। तो होप करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और नीचे गए जो बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि उससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो वो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।